आज मैं जिस औषधि पौधे के बारे में आपसे बात करूंगा, इस औषधि की कई प्रजातियां पाई जाती हैं जिससे हमारे वैद बंधु भ्रमित हो जाते हैं, सभी को गंधला और कुकरौंधा मान बैठते हैं। लेकिन ये जैसे ही अलग अलग प्रजातियां हैं, इनके अलग अलग ही नाम हैं। ये जो आप देख रहे हैं, इस औषधि का नाम है, मैं आपको बता दूं, ये बहुत अच्छी औषधि है और इसका नाम है कुकरौंध। इसको कुकरौंध या कुकरौंधा के नाम से जाना जाता है। इसके फूल पीले कलर के होते हैं, जैसे आप परदेसी लांगली यानी कि कलहारी की फूल देखते हैं ना, वैसे ही आप इसको देखते हैं। इसमें एक खुशबू होती है जो थोड़ी दुर्गंध टाइप की होती है। इसके पत्तों और पुष्पों को छूने से ही खुशबू नज़र आती है। इसके पूरा का पूरा पौधा थोड़ा थोड़ा चिपचिपा होता है और ये देखिए सूखने पर इसमें थोड़ी रुई के समान जो है वो निकलती है। इसका पूरा का पूरा पौधे का पुष्प है। तो इसका नाम है कुकरौंध, कुकरौंधा या कुकरौंध इसको बोला जाता है। ये गंध मार्जन नहीं है, ये गंधला नहीं है। कोई कोई इसको गंधाली या गंधला बोलते हैं, लेकिन उसकी प्रजाति है। गंधला दूसरा है, वो मैं बताऊंगा। और तो ये है कुकरौंध या कुकरौंधा। ये उष्ण प्रवृत्ति का होता है, इसलिए जिनको बड़ा जूड़ा उखड़ा निकल आता है, हमारे बच्चों को, आपके हमारे बच्चों को जो जूड़ा निकलता है, जो उनको ज़्यादा सर्दी लग जाती है, निमोनिया बोला जाता है, सर्दी जुखाम हो जाती है बच्चों को, उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा रस आप इसका सेवन करा सकते हैं शहद के साथ, तो ये बच्चों की निमोनिया को दूर कर देगा, सर्दी जुखाम खांसी को ये दूर कर देगा बच्चों वाली। जो सर्दी के कारण जो बुखार आ जाता है बच्चों को, आप अगर बच्चों के हाथ पैर के तलुओं में और मस्तिष्क में अगर इसके स्वरस का जो लगा देते हैं, तो वो बहुत जल्दी ठीक कर देता है। तो बताया मैंने, ये स्वर्ण प्रवृत्ति का होता है। इसमें वे सभी कपूर के गुण पाए जाते हैं, जितने गुण कपूर में होते हैं वे सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। तो ये कुकरौंध कुकरौंधा है। यह कप पित्त सामक होता है, यह दीपन अनिलोमन और यकृत को उत्तेजित करने वाला होता है ये पौधा। ये सोदल और कपग्न कप को नष्ट करता है, इसलिए ये कुकर खांसी खांसी बलगमी खांसी और ये अस्थमा जैसी बीमारी में भी लाभकारी है। सीने में दर्द हो तो इसके सौरस का मालिश करें आप। ये कृमिघ्न होता है, इसका थोड़ा थोड़ा सौरस काली मिर्च के साथ पिलाने से बच्चों के जो छोटे छोटे कीड़ा भी होते हैं लेटरंग के साथ आते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। और साथ ही साथ बवासीर रोग में भी ये लाभकारी है। आप इसकी पहचान करें कुकरौंध या कुकरौंधा। ये जुरग्ने बुखार को दूर करता है, दाह सामक है, जलन को हरता है और सिरोविरोचन है। मैंने बताया ना कि ये सिर दर्द को भी दूर कर देता है। व्रणरोपण ये घाव को भरने में सहायक है। मूत्रल ग्राही तथा बात सामक है, ये बात को नष्ट करता है, सभी प्रकार के बात और बात से होने वाले दर्द और सूजन को ये लाभ पहुंचाता है कुकरौंधा। आप इसकी पहचान जरूर करें। ये खूब पाया जाता है भारतवर्ष में, जहाँ पर भी बेकार पड़ी भूमि हो वहाँ पर ये अपने आप उगाता है। और ये आद्यमान तिसड़ा अर्स यानी कि बवासीर, आद्यमान यानी कि अफारा अपच, तृष्णा यानी कि प्यास में ये लाभकारी है। ये विष को हरने वाला है। अगर आपको कभी भी अचानक बर्र ततैया बिच्छू या आदि जहरीले कीट डंख मार जाएं और उसका जहर सताने लगे आपको, तो आपको कुकरौंधा की कुछ पत्तियां तोड़ करके और थोड़ा रस निकाल करके आप उस जगह मालिश कर दीजिए। तो आप अगर इसको तत्काल मालिश करते हैं तो ना तो वहाँ पर दर्द होगा और ना सूजन होगी और ना कोई परेशानी होगी, आपका ज्यों का त्यों अंग नॉर्मल बना रहेगा। तो ये बहुत अच्छा है कुकरौंधा, आप इसकी पहचान जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम कुछ अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।